अब बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 97 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा जनरल जनरल कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ एल्केन। एल्केनों के सामान्य लक्षण या सामान्य गुण, पहला लक्षण की बात करें तो जितनी भी एल्केन होती है बेटा उन सभी एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। लिखेंगे एल्केन्स, एल्केन्स में कार्बन 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 एटम्स के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा गुण क्या है? जब सिंगल बॉन्ड होता है सभी कार्बन के मध्य तो प्रत्येक कार्बन पर कौन सा संतुलन होगा? तो लिखेंगे एल्केन में प्रत्येक ईच मतलब प्रत्येक कार्बन एटम पर sp3 कौन सा संकरण बेटा? sp3 संकरण, sp3 संकरण होता है। अब sp3 संकरण है तो बेटा एल्केन की शेप जनरली क्या होती है? तो देखेंगे sp3 संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अर्थात sp3 संकरण के कारण इनकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल शेप होती है इनकी, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। चौथा कैरेक्टरिस्टिक बेटा देख लीजिए, एल्केन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कहते हैं बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, अगला पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? कार्बन कार्बन बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन अगर हमसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बंध दूरी मतलब 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एल्केन में जितने भी कार्बन एटम होंगे प्रत्येक कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके स्रोत। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं बेटा, पांच हो गए, छठा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, छठा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन के दो सोर्स होते हैं, मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, सोर्स का मतलब स्रोत होते हैं। ठीक, पहला है नेचुरल गैस, फर्स्ट है इसमें नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस
प्राकृतिक गैस में बेटा, प्राकृतिक गैस में 80% तो होती है मैथेन, 80% मैथेन, 10% होती है एथेन, 10% एथेन। अगर हम पूछे नेचुरल गैस में कितना परसेंटेज है मैथेन का, तो 80%, कितना परसेंट है एथेन का, 10%, और 10% की होती है बेटा हायर मेंबर, हायर मेंबर्स उच्च सदस्य होते हैं इसमें 10%। बी इसमें इनका दूसरा स्रोत है पेट्रोलियम, पहले इनका मुख्य स्रोत नेचुरल गैस को माना जाता था, लेकिन आजकल आधुनिक युग में पेट्रोलियम इनका मुख्य स्रोत होता है। ये क्या है, चीफ, चीफ में होता है मुख्य, मुख्य स्रोत, चीफ सोर्स होता है ये, चीफ सोर्स ऑफ हायर एल्केन, ये उच्च जो एल्केन है उनका मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम या पेट्रोल, पेट्रोलियम। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए बेटा। अब देखिए नोमेनक्लेचर, हेडिंग डाल दीजिए नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन के नामकरण दो मेथड से लिखेंगे हम, एक तो कॉमन मेथड, दूसरा IUPAC मेथड। तो C1 से C3 तक तो बेटा कॉमन मेथड से ही नाम लिखते हैं, कैसे, कॉमन मेथड द्वारा, क्योंकि यहां पर नो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म नहीं थी। ठीक है, जैसे बात कर ले हम CH4 की, C2H6 की, C3H8 की, तो इनके नाम क्रम से मेथेन, एथेन और प्रोपेन हो गए। लेकिन जैसे ही कार्बन संख्या 4 आया तो यहां पर कॉमन मेथड फेल हो गया, क्योंकि 4 कार्बन वाली ब्यूटेन बन रही है। लेकिन इसके बहुत सारे चेन आइसोमर भी देखे गए, इसके चेन आइसोमर, तो इसके बाद लिखते हैं IUPAC मेथड द्वारा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, और IUPAC मेथड द्वारा बेटा वही सामान्य नियम है LCC विद बोर्ड FSBT, सबसे पहले लंबी कार्बन चेन चुनो, ये सब IUPAC यहां पर आता तो है नहीं है, फिर भी लिखते हैं LCC विद मोर FSBP, अर्थात सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन चूज करनी होती है। ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन्हें न्यूनतम अंक मिले, उधर से गिनते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं। ठीक है, ये मतलब है, तो हम बस एग्जांपल लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल है, देख लीजिए आप CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, सबसे लंबी कार्बन चेन चुनो। एक तो रास्ता ये है, सीधे सीधे चले जाओ, दूसरा रास्ता ये है कि इधर को चले जाओ, लेकिन
नंबर गिनो, एक दो तीन मेंबर गिनो, एक दो तीन चार पांच, अगर इधर से जाए तो एक दो तीन चार या एक दो तीन चार, मतलब ये वाली चेन लंबी चेन है, ठीक। तो गिनने किधर से करेंगे, इधर से सर, इधर से। तो बेटा यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट है उसे दोनों तरफ से गिन के देखो, एक दो तीसरा नंबर आ रहा है यहाँ से, मतलब एक दो तीन, तो किधर से गिन सके, तो वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब थ्री पे मैथिल है, तो थ्री मैथिल, थ्री मैथिल क्या नाम है इसका, एक दो तीन चार पांच, पांच मतलब पेंटेन, थ्री मैथिल पेंटेन खत्म, थ्री मैथिल पेंटेन हो गया, हो गया। अब ये नोमेनक्लेचर आप कर देना, कर लेना बेटा आइसोमेरिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। आप देखते हैं हम आइसोमेरिक, आइसोमेरिक इन एल्केन, आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स अर्थात एल्केनों में समावयवता, ये है बेटा आपकी नेक्स्ट हेडिंग। आइसोमेरिज्म इन एल्केन अर्थात एल्केनों में एल्केनों में बेटा केवल चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता होती है, चेन आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। ये चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे बाद में, ठीक है। आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक है बेटा, ये कल देखेंगे क्योंकि स्टार्ट करेंगे फिर हो नहीं पाएगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं केवल, केवल और केवल।